And we have some breaking news coming in. Naresh Goyal, founder of Jet Airways, has been sent to custody by the Enforcement Directorate till September the 11th. He's been sent to custody after he was arrested by the Enforcement Directorate, the Central Investigation Agency, late last night, after many hours of questioning. And what is the case? Well, he's been arrested by the Enforcement Directorate in a money laundering case, in a bank fraud-linked money laundering case. It's a 538 crore bank fraud case. Canara Bank is a complainant in this particular case, and he was arrested based on an FIR by the Canara Bank. The money laundering case pertains to loans given to Jet Airways by the Canara Bank. So the latest that we're getting is that the Enforcement Directorate has sent Naresh Goyal to an 11-day custody. He will be in custody till September the 11th. And well, Sunil Singh, my colleague, is joining us live on the phone line. Sunil ji, to Enforcement Directorate ne 11 din ki custody par bheja hai Naresh Goyal ko. Ye case jo hai, ye bahut important hai, kyunki 538 crore ka bank fraud case hai. To ab next step Enforcement Directorate ka kahin na kahin hoga evidence ikattha karna. Ji bilkul, 74 saal ke Naresh Goyal ko ab 11 September tak ED ke hirasat mein rehke karz ka hisab dena hoga, जो कि उन्होंने जेट एयरवेज के संचालन यानी ऑपरेशनल काम के लिए लिया था, लेकिन उसका इस्तेमाल उन्होंने अपने निजी अपने परिवार के लिए, जिसमें कि बेटी के प्रोडक्शन कंपनी के एम्प्लॉय हैं और जो घरेलू स्टाफ है उनका सैलरी देने के लिए किया गया, पत्नी के ज्वेलरी के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा 2500 करोड़ के करीब रकम जो है उसमें से जो सिस्टर कंपनी है जेट लाइट लिमिटेड को, उसको कर्ज के तौर पर दिखाया गया, लोन के तौर पर, और बाद में उस कर्ज को माफ भी कर दिया गया। कंसल्टेंसी और प्रोफेशनल फीस के तौर पर 152 करोड़ रुपए दिखाई गई। तो कुल मिलाकर जो है कि धन की हेरा फेरी गई, यानी आपने कर्ज जो लिया वो जेट एयरवेज के ऑपरेशनल काम के लिए लिया, लेकिन उसका इस्तेमाल दूसरे मदों में किया। ये मामला है और इसी के तहत ईडी ने मामला दर्ज करके कल उन्हें गिरफ्तार किया था। दरअसल इसमें डिफेंस का ऐसा कहना है कि जो मामला है फ्रॉड सर्कुलर का, जो कि कैनरा बैंक ने जो शिकायत की है, उस पर हाईकोर्ट का स्टे है। तो ईडी की जो कार्रवाई है ये अवैध है, ये बन नहीं सकती, लेकिन ईडी ने साफ किया कि वो जो मामला हाईकोर्ट में जिस पर स्टे है वो सिविल नेचर का है और ईडी की जो कार्रवाई है वो उसके तहत नहीं आती है, लिहाजा इनके खिलाफ मामला बनता है मनी लॉन्ड्रिंग का। बहरहाल लगभग कई घंटों की बहस के बाद अब जो है अदालत ने 11 सितंबर तक नरेश गोयल को ईडी की कस्टडी दे दी है। और बड़ी बात यह है कि ईडी ने यह भी बताया कोर्ट में कि जो बैंकों के कई कंसोर्टियम है जिसमें कई बैंकें हैं उसमें सभी का बकाया देखा जाए तो 6000 करोड़ रुपए के करीब है, लेकिन शिकायत जो है सिर्फ कैनरा बैंक ने की है 538 करोड़ की, और उसी के आधार पर यह जांच चल रही है। जी सुनील जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सुनील इज रिपोर्टिंग देयर, वेल द कंसोर्शियम ऑफ बैंक हैज सेड दैट दिस अमाउंट ऑफ बैंक फ्रॉड इज मच हायर, बट करंटली कैनरा बैंक इज द कंप्लेनेंट इन दिस पर्टिकुलर केस एंड नरेश गोयल हैज बीन सेंट टू 11-डे कस्टडी।